अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो जुमा मुबारक, आज जुमे का दिन है माशाल्लाह से। कैसे से दूध पाक पढ़िएगा, अल्लाह हम सबकी मुश्किलें जो है वो आसान फरमाए। अच्छा जी, अब जो है कल मैं व्लॉग इसलिए नहीं बना सका कि केज का मैंने आपसे कहा था तो केज कल नहीं आए थे, तो केज लेकिन अब आ गए हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ केजेस कैसे मंगवाए हैं मैंने, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको जो है बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट में लाजमी आपको बताएंगे कि जिस कैसे बगे हैं, ठीक हो गया। तो चलिए अब आपको पहले जो है मैं चूज़े दिखा दूँ। चूज़े में खुले छोड़ दिए हुए हैं, बतखे भी, चूज़े भी, गोलगप्पा भी, सबको खुला छोड़ दिया मैंने, खेलो। तो ये मेरे आस पास ही फेरे हैं सारे, पहले वो दिखाता हूँ आपको, फिर आपको केज दिखाता हूँ। ये देखिए जी, सारे मेरे पास आए हुए हैं। आज मैं कुछ चीज़ नहीं लेके आया खाने के लिए, वो इसलिए मेरे पास है कि शायद मैं कुछ खाने के लेके आया हूँ, क्यों रोज़ कुछ लेके आता हूँ ना। सारे खेल हैं वो गोलियों बफ मौसम इंजॉय कर रहे हैं। चले जी अब आपको जो है केज रिवील करते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से, फुल इंग्लिश मॉल का मंगवाया है। पहले आपको अंदर से दिखाता हूँ फिर आपको एंड पे इसका साइज़ वगैरह बताऊँगा। ये देखिए जी, ये मैंने लकड़ी लगवाई है ताकि इसके ऊपर जो है वो बैठ सके, और ठीक है। ये नीचे मैंने लोहे की शीट लगवाई है, ये देखें लोहे की ना, नीचे लकड़ी भी है और उसके ऊपर जो है लोहे की शीट है ताकि केज जो है पानी से ख़राब ना हो। लेकिन ये लेमिनेशन शीट है, ये गर्म भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम इसके ऊपर रेत और मिट्टी डालेंगे। अच्छा जी, ये देख ले केज आपने, अब आपको थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। दो केजेस मंगवाए हैं, एक ये है और एक ये है। अच्छा, मैं इसका आपको साइज़ बताता हूँ। इसकी लंबाई है 4 फुट, गहराई 3 फुट, हाइट भी 3 फुट, ठीक है। 4 बाय 3 बाय 3 है ये, कि माशा बिग साइज़ केज है ना, मतलब मैं भी इसके अंदर ईजिली घुस के जो है ना बैठ सकता हूँ खुला डुला होकर। इसके अंदर आप शामो के 1 मुर्गा 3 मुर्गियाँ ईजिली खुली छोड़ सकते हैं। इसमें आपके मिस्री मुर्गियाँ छोड़ गए तो 7-8-10 मुर्गियाँ भी ईजिली आ सकती हैं। 6-7 मुर्गियाँ तो 7-8 मुर्गियाँ तो ईजिली इसके अंदर आ जाएंगी। हाइट भी मैंने बहुत ज़्यादा रखवाई है क्योंकि गर्मियाँ होती हैं, क्रॉसिंग वगैरह होती रहेगी, ठीक है। कमेंट में लास्ट में बताइए केजेस कैसे लगे हैं। अब ये इधर का कोई हल निकाल गए, ये तो कोई चीज़ लग जाएगी, केजेस इस जगह पे तरतीब से आ जाएंगे। अभी देखे मैंने ऐसे रखे हुए हैं, अभी छत की सफाई करवाता हूँ मैं 1-2 दिनों के अंदर। अब जो है छत की सफाई करवाता हूँ 1-2 दिनों के अंदर, ठीक है। और इधर के लिए ना वो तरपाल को मंगवाता हूँ, इधर तरपाल डाल के केजेस इधर तरतीब से फिर लगा देंगे। सबको अपने अपने जो है बुक्स वो घर मिल जाएगा, सब अपने घरों में सेट हो जाएंगे। तो फिर ये रोज़ के रोज़ किसी एक आधे को छोड़ा करेंगे, सबको इकट्ठे नहीं छोड़ गया, थोड़ा वो लड़ते भी हैं। तो कुमैंग में लाजमी बताइएगा केज आपको कैसा लगा है। बिग साइज़ केज मंगवाया मैंने, बहुत बड़ा केज है। हाइट इसकी देखिए मेरे किधर आ रही है, देखें मैंने इसकी 3 फुट हाइट रखवाई है, 3 फुट लंबाई रखवाई है, 4 फुट गहराई रखवाई है, 4 बाई 3 मतलब फुट है ये। इसमें इजली आप जो मर्जी चीज़ रख सकते हैं, गोगे बाफी में वो जो मेरा पापा पड़ा है खुला डुला इसके अंदर आएगा, हवादार है। नीचे मैंने लोहे की शीट लगवा ली है ताकि ख़राब ना हो, लाइफ टाइम है ये इंशाल्लाह। बस बारिश ऊपर ना आए तो ख़राब नहीं होता ये, अल्लाह के फजल करम से। दुआ कीजिएगा अल्लाह बरकत डाले। अब ये चीज़ें और लेके आएंगे इंशाल्लाह इसके अंदर रखने के लिए। तो चले अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।